अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो गाजर की खीर है, और गांव के ज़बान में से हमने सुना कि कुछ लोग गजरेला भी बोलते हैं, पर हम लोग तो हमेशा से गाजर की खीर ही बोलते हैं। और ये गाजर के सीज़न चल रहा है, गाजर के सीज़न में ये अक्सर बना करती है, बहुत ही टेस्टी होती है। सिंपल चावल की खीर की तरह से ही बनती है, और बस ये समझना होता है कि कितने दूध में कितना चावल, इसमें थोड़ा सा चावल कम डालते हैं थोड़ा सा खीर के मुकाबले, क्योंकि गाजर भी डालनी होती है, गाजर भी उसमें गाढ़ा कर देती है। और गाजर कितनी, खीर कितनी, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए और कितनी चाहिए। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़े की होती है गाजर की खीर। सीज़न में आप गाजर के हलवे के साथ साथ इसको भी ज़रूर बनाएं, और बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये हमारा दूध है, करीब 1 लीटर से ज़्यादा है, करीब 1.5 लीटर से थोड़ा सा कम है, करीब 1.5 लीटर ही समझ लीजिए आप, ये हमारा 1.5 लीटर दूध है। उसके हिसाब से हमारे ये 250 ग्राम गाजर है। तो तीन तीन गाजर थी थोड़ी बड़ी साइज़ की, उसे मैंने कस लिया है, और उसके हिसाब से हमने ये 50 ग्राम चीनी रखी है, क्योंकि गाजर भी थोड़ी मीठी होती है। और चावल हमारा बहुत ही कम है, ये चावल मुश्किल से हमारा 30 से 40 ग्राम चावल होंगे, जो कि हमने भिगा दिया, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, और इसे हाथों से मैंने चूर कर दिया। भीगने के बाद, 1 घंटा भीगने के बाद हम हाथों से ऐसे ऐसे करेंगे तो चूर हो जाएगा। हम मिक्सी में भी घुमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बारीक हो जाएगा, थोड़ा सा मोटे चावल इसमें अच्छे लगते हैं गाजर की खीर में, और पकने के बाद तो वो काफ़ी स्मूथ हो ही जाएंगे। और थोड़े से पिस्ता और बादाम बारीक कटे हुए हैं, ये करीब 10-12 बादाम होंगे और 10-12 पिस्ता होंगे, जिसे मैंने काफ़ी बारीक चॉप कर लिया है। और काजू अलग से है, ये हमने फ्राई करके आधा कर लेंगे, और अपने हिसाब से हम कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट का कोई मिकदार नहीं है। 4 इलायची, 4 लौंग, और जो भी घर में हो आप डाल सकते हैं, जैसे छुहारे वगैरह हैं वो भी डाल सकते हैं, किशमिश वगैरह सब सब कुछ डाल सकते हैं, तो कुछ कम भी हो तो चलता है। और ये हमारे थोड़े से मखाने, ये मखाने बहुत टेस्टी लगते हैं इसमें, तो इसे घी में फ्राई करना है हमें, और अंदर भी थोड़ा डालना है, थोड़ा सा ऊपर से भी काट के चूर कर डालना, ये क्रंची टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़े से घी जाएंगे, करीब 40 से 50 ग्राम तक देसी घी जाएंगे, वो हम जब पैन में डालते जाएंगे तो आपको दिखाते जाएंगे। बस इतनी ही चीज़ें हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाजर की खीर बनाना। तो हमने एक बड़ा पैन लिया है, तो आप भी उतना ही बड़ा बर्तन ले लें, और जितनी की आप मिकदार आपकी दूध की और पकाने की है उस हिसाब से। तो हमारा 1 से 1.5 लीटर करीब दूध है, तो उसके लिए हमने इतना बड़ा पैन लिया जिसमें ये आसानी से बन जाए। तो इसमें हम स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा घी डालेंगे, जिसमें कि हमारा काजू और मखाने फ्राई हो जाएं। तो ये काजू और मखाने हम फ्राई कर लेते हैं, काजू हल्के हल्के से हो गए हैं, बस हम इन्हें फटाफट निकाल लेते हैं, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। बस इसी घी में हम अपने मखाने फ्राई कर लेते हैं, इतने घी में हमारे इतने मखाने बहुत ही आराम से हो जाएंगे। और थोड़ा सा इसको चला के करने में बहुत टाइम लगता है, ज़्यादा भी नहीं लगता है, तो इसको चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट में हमारा मखाना अच्छा सा क्रंची हो जाएगा। ये हमारे मखाने भी अच्छे से क्रंची हो गए हैं, अब हम इसे भी सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने इसमें अभी करीब 2 चम्मच घी डाला है, इससे पहले मैंने 2 टेबल स्पून डाला था इसमें घी, और अब मैंने इसमें 2 चाय का चम्मच 2 टीस्पून डाला है, ज़्यादा घी की ज़रूरत, तेल की ज़रूरत नहीं है इसमें, घी हमें देसी लेना है, नहीं तो इतना अच्छा नहीं बनेगा। अब इसमें हम थोड़ा अपना चावल डाल देते हैं, इसको थोड़ा भून लेते हैं। इसे थोड़ा सा भून लेते हैं 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो देखें ये हमारा चावल खिला खिला हो गया है। इस तरह से करने से चावल थोड़ा सा, बगैर आप भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा काफ़ी सौंधी खुशबू हो जाती है, काफ़ी खुशबू अच्छी आ जाती है, और बहुत ही अच्छी खीर हमारी तैयार होती है। और अब हम इसके बाद डाल देते हैं इसमें अपना दूध, और दूध डाल के हम इसको लगातार चलाते हुए, कंटिन्यूस उसको हम चलाना है, तो छोड़ना नहीं है, ताकि चावल की गुठली ना बने। और चलाते हुए इसको हम पका लेते हैं, पहले पहले एक बॉईल आ जाए तब तक हम इसका ध्यान। तो देख सकते हैं हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है, ये चारों तरफ से किनारों से लगने पर इसको चलाते हुए, और अब इसकी आँच हम कम कर देंगे। चावल हमारा अगर से पिसा होता तो हम लगातार चलाते, बिल्कुल छोड़ते नहीं, लेकिन अभी हमको उसको ध्यान रखना है, छोड़ना अभी भी नहीं है, लेकिन हम इसका ध्यान रखते हुए गैस कम करके इसका चावल को गलने तक, कि देखें इनकी किनकियाँ जो दिख रही हैं, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जानी चाहिए, और इसे चम्मच से करें तो इसे रुकना नहीं चाहिए, ये लगातार गिरती जाए। अगर आपको बहुत जल्दी खीर तैयार करना है तो आप पीस लें, और चावल को पीस लें मिक्सर में, वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है खीर। लेकिन अब इस तरह से जो गाजर की खीर होती है, अगर से आप इस तरह से चूर करके चावल को बनाए, तो उसकी बहुत ही अच्छी टेक्सचर आता है और बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए इसको चूर करना, इसकी जो ट्रेडिशनल तरीका है उसी तरह से बनाना,
मैंने बताना है आज। तो इस तरह से लीड लगाते हैं और गैस कम कर देते हैं, और बीच बीच में इसका ध्यान रखते हैं, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं। तो देख सकते हैं ये इस करीब 7 मिनट 8 मिनट हो चुका है, और ये धीमी धीमी आँच पे पक रहा है, और लगातार मैंने इसे बीच में जो चेक किया है, लीड मैंने थोड़ी देर में हटा दिया था 5 मिनट में, ज़्यादा देर लीड लगाने में उबल जाने का डर है। तो इसके साथ हम गाजर डाल देते हैं, अभी साथ साथ पकेगा, गाजर भी पानी छोड़ देगा अपना, तो हम अपना गाजर भी डाल देते हैं इसमें। ये मेरी गाजर की रेसिपी इस सीज़न में तीसरी बार बन रही है जो आप लोगों के साथ हम शेयर नहीं कर पाए। करीब स्टार्टिंग गाजर के सीज़न के स्टार्टिंग में मैंने गाजर की रेसिपी बनाई थी, जो कि मेरी गलती से डिलीट हो गई थी, और सेकेंड टाइम मैंने कोई गेस्ट आ रहा था, मैं जल्दी जल्दी ये बना लिया, मैंने इसकी वीडियो में नहीं बना पाई, अब आज मैं बना रही हूँ। इसके आधे ड्राई फ्रूट हम डाल देते हैं इसमें, वो भी साथ साथ अपना थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचाते हैं बस। ये अच्छे से मिक्स होता जाएगा, घुलता जाएगा, इसका टेस्ट और बढ़ाएगा। लास्ट में हम चीनी डालेंगे, ये सब डाल देते हैं साथ साथ, ये सब अपने मज़े का और बनेगा, गल जाएगा, अच्छे से घुल जाएगा बस। तो देखें ये काफ़ी अच्छी सी घुल मिल गई है, अच्छे से ये मिक्स हो गई है, और गाजर और चावल सब एक साथ सा नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज पे हम अपने ये चीनी डाल देंगे, चीनी हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, गाजर भी थोड़ी मीठी होती है, और बस इसके गल जाने तक, चीनी भी अच्छे से घुल जाने तक हम इसको पका लेते हैं 2-3 मिनट। 1 मिनट के लिए मैंने लीड लगाया चीनी डाल के, बस अब हम इसको खोल लेते हैं, और खीर हमारी बिल्कुल तैयार है, इसे डिश आउट करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पूरा चावल अच्छे से घुल चुका है, और गाजर वाजर सब मिक्स हो गया अच्छे से, बस इसी यही पहचान है कि खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। और आपको बहुत जल्दी बनाना हो खीर, 10 से 15-20 मिनट में जल्दी है, तो आप चावल को भिगा के ज़रूर पीस लें। आपकी आपको बहुत तेज़ इलायची फ्लेवर पसंद है तो डाल लें, बाकी इसमें जो इलायची हमने घी में डाला हल्का सा, और फिर दूध और गाजर की एक खुशबू सी आती है जो अच्छा सा फ्लेवर आता है, बस यही इसकी ओरिजिनलिटी है। तो आप इसी तरह से बनाएं, आप अपने पसंद के हिसाब से गाजर कम ज़्यादा कर लें, इससे कम गाजर भी डाल सकते हैं, लाइट गाजर, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ये सब आपकी चॉइस है। तो हम इसे डिश आउट करते हैं। तो तैयार है हमारी, हमने डिश आउट कर लिया है, इसे थोड़ा सा गार्निश किया है सभी ड्राई फ्रूट से, और इस साथ में इसके जो क्रंची मखाने हैं, तो इसका तो जोड़ी अलग ही है। देखिए आप पास से इसको, बहुत ही मज़ेदार बनती है इस तरह से धीमी आंच पे, और थोड़ा सा भिगा के चावल ऐसे थोड़ा सा हाथों से थोड़ा सा क्रश करके, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, और धीमी धीमी आंच पे जब हम इसे पकाते हैं और इसको थिक करते हैं, तो इसकी बहुत ही फ्लेवर, इसका बहुत ही उमदा आता है, सोंधा सोंधा सा। तो आप ज़रूर बनाएं, प्लस मैं आपको ये भी सजेशन दूंगी कि अगर आपको जल्दी है तो आप ग्राइंडर में चावल को पीस लें हल्का सा, तो वह खीर आपकी बहुत जल्दी बन जाती है। आपके पास टाइम कम है तो आप ज़रूर पीस लें, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेने वाली रेसिपी है, धीमी धीमी आँच पर, करीब ये 45 मिनट हमारे ये धीमी आँच पर पकी है, तो ही जाके ये थिक हुई है, एक साथ गाजर और चावल अच्छे से मिक्स हुआ है, और उसके बाद तो फिर एकदम खाने में आप, बस आपको मैं क्या बताऊँ, जब आप खाएँ तभी आपको मालूम पड़ेगा कि टेस्ट इसका बिल्कुल ही लाजवाब बन के तैयार होता है। तो बस ऐसे ही बनाएं, और ट्राई ज़रूर करें हमारी रेसिपी, और फीडबैक दें, और हमारे पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी। अल्लाह।